हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, इस नोटिफिकेशन में जो है सिर्फ वीमेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ फीमेल के लिए ये नोटिफिकेशन है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है वीमेन मिलिट्री पुलिस के लिए, राइट, और ये जो है इंडियन आर्मी ने वैकेंसी निकाली हुई है। तो हम स्टेप्स वाइज डिस्कस करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, क्या आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, आपका फिर फिजिकल जो है स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या क्या होगा, फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड रिटेन, किसके लिए रिटेन एग्जामिनेशन होगा, किसके लिए रिटेन एग्जामिनेशन नहीं होगा। सिर्फ 10th कैंडिडेट मिनिमम जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो इसमें दिया गया है, 10th कैंडिडेट जो है, 10th पास कैंडिडेट वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें दोस्तों कैसे अप्लाई करना है एंड रेस्ट ऑफ अदर थिंग। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप ई एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए निकला हुआ है एप्लीकेशन फॉर द 100 सोल्जर जनरल ड्यूटी वीमेन मिलिट्री पुलिस की वैकेंसी इन इंडियन आर्मी, राइट। 6 जून से फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट हो चुका है, 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे जो है कैंडिडेट जो आपका यहाँ पे जो आपका कंडक्ट होगा, जो फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ये अंबाला, लखनऊ, जबलपुर, बेलगांव, पुणे एंड शिलोंग, इन सब जगह पे आपका जो है ये रैली होगा, राइट। अब देखिए जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी वीमेन मिलिट्री पुलिस के लिए एज जो रखा गया है 17.5 से 21 रखा गया है, राइट। जिनका जो बर्थ है 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अप्रैल 2004 के बीच में हुआ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जो हाइट दिया गया है 152 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है, वेट जो है बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। अब ये जो रिजर्वेशन है इसमें, जैसे कि गोरखा, जैसे कि हिली एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन या पहाड़ी एरिया में, उनके लिए क्या है हाइट, वो सब हम डिस्कस करेंगे, राइट। गोरखा के लिए सिंपली है 10th पास कैंडिडेट, जो 10th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे 45% मार्क्स दिया गया है, राइट। ओवरऑल 10th में होना चाहिए, 10th का जो रिकॉर्ड है 45% मार्क्स होना चाहिए, मिनिमम 33 रखा गया है, राइट। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड देन यहाँ पे देखिए जो 100 वैकेंसी है, बट अगर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अप्लीकेंट आ जाते हैं, तो फिर उसमें जो है आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, आपका 10th का स्कोर क्या है उसके बेसिस पे आपका जो है एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा रैली के लिए, फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट के लिए, राइट दोस्तों। अब तो इसमें उसके बाद यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसको फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट भी बोलते हैं, 1.6 किलोमीटर आपको रनिंग है इसमें, और आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में ग्रुप ए के लिए, ग्रुप टू के लिए जो है 8 मिनट में, लॉन्ग जंप जो है 8 फीट जो है आपको कवर करना पड़ेगा क्वालिफाई के लिए, और जो है हाई जंप जो है 3 फीट क्वालिफाइंग है सिर्फ ये, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हाइट जो है, जैसे कि डॉटर ऑफ सर्विसमैन है ना, जो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 सेंटीमीटर हाइट कम होगी, जैसे 152 था तो 150 हो जाएगा, उसी तरह वेट उसी रेशियो में कम हो जाएगा। जैसे कि कोई एडॉप्टेड डॉटर हैं, या फिर विडोज़ हैं, या फिर जिनके फादर की डेथ हो गई है जो सर्विसमैन रहे हैं, तो इन सब तरह के लिए जो है एज, ये वेट और हाइट 2 सेंटीमीटर कम होगा। जो कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड असम, और गोरखा एंड गढ़वालीज हैं, उनके लिए जो है 4 सेंटीमीटर का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा हाइट में। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा आपका, ये फिजिकल जो है फिटनेस टेस्ट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, देन फिर आपका रिटेन के लिए आप जाओगे, कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर जो है आपको जो है कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट से गुजरना होगा, और जो एनसीसी के कैंडिडेट हैं और सी ग्रेड का सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनको रिटेन एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो ए बी या जनरल कैंडिडेट हैं उनको जो है रिटेन टेस्ट देना पड़ेगा, और उसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा। जनरल पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जो है आपका करंट अफेयर्स काफ़ी बेसिक होगा, काफ़ी नॉर्मल लेवल का होगा, राइट।
तो यहाँ पे देखिए कोई भी कैंडिडेट जो है इसमें मैरिड ना हो, डाइवोर्स कैंडिडेट जो हैं जिनकी शादी हो चुकी है बट वो लीगली है ना वो सेपरेट हो चुके हैं, डाइवोर्स हो चुका है, या विडोज हैं, विधवा हैं, राइट, बट उनके बच्चे नहीं हैं तभी वो अप्लाई कर सकते हैं। और जिनकी अब जो अभी जिनकी शादी नहीं हुई है वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बट ट्रेनिंग के दौरान तक आप शादी नहीं कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट अभी अप्लाई करेंगे तो उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा वहाँ पे कि आप जो है अनमेरिड हैं, राइट। आप वहाँ सरपंच से लास्ट 6 मंथ का एक सर्टिफिकेट होगा, राइट, वो आप सरपंच या प्रधान से अपने गांव के वो आप सर्टिफिकेट बनवा के आपको लेके जाना पड़ेगा, राइट। एंड देन फिर जो है 33 वीक का, अराउंड 8 to 9 मंथ का आपका ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दौरान आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, आफ्टर ट्रेनिंग जो है आपकी शादी हो सकती है डेफिनेटली। तो ये है इसका ओवरऑल जो मैंने सारा कुछ बता दिया। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा रैली को अटेंड करने के लिए। हाँ, जब ट्रेनिंग होगा, जब सिलेक्शन आपका हो जाएगा, तो उसके दौरान आपको सब कुछ अलाउंसेस एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग मिलेगा। जिनको टैटू है बॉडी पे है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, बट जो है आउटर फेस पे डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। इनर फेस पे टैटू होगा, अंडर आर्म, तो इन सब पे चलेगा, राइट। तो ये है इसको टैटूज वाले, आपको जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्लियरली वहाँ पे दिया होगा कॉलम में, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा, राइट। सो ज्वाइन इंडियन आर्मी NIC.IN पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो आप डेफिनेटली आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा, राइट। आपके पास अच्छा आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी 15 साल का ये जॉब है, पेंशन वगैरह मिलेगा सारा कुछ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। अभी जो स्क्रीन पे 3 नोटिफिकेशन दिख रहा है इसको देखें, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई करें या अपने दोस्त को या अपने घर में शेयर करें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब ई एजुकेशन चैनल। थैंक यू।